मटन किसे किसे पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है। तो अभी तो सावन चल रहा है, तो मैं एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि मटन को टक्कर देगा। तो आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। नमस्कार, मेरा नाम है मनीषा। और आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं, मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है, मेरी रेसिपी आपको ये मोटिवेट करती है खाना बनाने के लिए, तो प्लीज़ मेरे पेज को लाइक दें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, मुझे ये मेरे रेसिपीज़ को अपना प्यार दें। तो चलिए हम लोग इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग चना ले लेंगे, ठीक है? और ये हम लोग कुछ मसाले ले लेंगे, जैसे हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, ये मीट मसाला, दालचीनी, इलायची, ये तेज पत्ता, लाल मिर्च, ये खड़ी, ये आदि, थोड़ा सा लहसुन, लहसुन का पेस्ट भी, और तेज पत्ता, और स्वाद अनुसार नमक। और भी आपके पास अगर कुछ खड़े मसाले में अवेलेबल, जैसे लौंग हो गया, गोलकी हो गया, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक कुकर लेंगे। अभी हम लोग कुकर को गैस पे नहीं चढ़ाएंगे, हम लोग सबसे पहले सारा जो भी मटेरियल हम लोग के पास है उसको अच्छे से उसमें ऐड कर लेंगे। तो अभी हमने चना डाला है, फिर हमने जो मसाले एक साथ इकट्ठा करके रखे थे उसे डाल दिया है, अब जो प्याज कट करके रखी थी उसे भी उसमें डाल दिया है। अब ये सबको डाल के अच्छे से उसको मिक्स कर लेंगे कि वो एक दूसरे से बाइंड अप हो जाए। और हाँ, इस रेसिपी में आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आपको पानी इसमें बिल्कुल नहीं डालना है, ना के बराबर ही डालना है। ये रेसिपी मेरे नानी की रेसिपी है। वो मतलब जब बहुत बोर हो जाती थी एक जैसा खाते खाते, तो कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट तो किया जाए, तो ये उनकी निकाली हुई ये रेसिपी है। और जो मतलब मेरे घर में सभी को पसंद आती है, इवन मेरी मम्मी अभी तक बनाती है। अभी तो मेरी नानी नहीं है, लेकिन नानी की रेसिपी अभी भी हम लोग के पीछे जिंदा है। अभी मैं इसमें छोटे कटोरी से आधा कटोरी पानी इसमें मिला रही हूँ, और ये फिर इसमें हम लोग थोड़ी सी ये सरसों का जो तेल होता है, अगर आपके पास रिफाइन है तो आप वो भी डाल सकते हैं। हम लोग ये, मैं बिहार से हूँ तो हम लोग सरसों का तेल ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसीलिए हम लोग सरसों का तेल ही, तेल में ही ये सब्जी बनाते हैं। तो मैं इसमें सरसों का तेल ही ऐड करूँगी। और वैसे आप किस स्टेट से देख रहे हैं, अगर आप ये चाहे तो कमेंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग एक चम्मच की हेल्प से अच्छे से ये सबको मिक्स कर लेंगे। अगर आपको आलू भी इसमें ऐड करना है तो आप आलू भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें ये बड़े बड़े स्पाइसेस पीसेस के आलू लिए हैं, जो मतलब बहुत अच्छा टेस्ट देगा, दम जैसा उसमें टेस्ट आ जाता है। अब हम लोग सबको मिला के और ये प्रेशर कुकर को बंद करके गैस के ऊपर चढ़ा देंगे, और इसको ये मतलब मीडियम फ्लेम पे रखेंगे। कम से कम 4 ये वेसल का हम लोग वेट करेंगे। अब हम लोग का देखिए कितना अच्छा आया है, इसमें महक तो ऐसा आ रहा था जैसे लग रहा था कि ये मतलब मटन ही रखा हुआ है। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा ये मिलाएंगे कस्तूरी मेथी, और मुझे थोड़ा पानी कम लग रहा था तो मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया। आप अपना पानी देख सकते हो कि आपको ज़्यादा, क्योंकि मुझे ग्रेवी वाला चाहिए था। अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ डू लाइक।